किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। आज के इस वीडियो में हम खरीफ सीजन के प्याज मतलब कि बरसाती प्याज की 5 उन्नत किस्मों के बारे में बात करने वाले हैं। हम प्याज की अच्छी वैरायटी लगाएंगे तभी हमें प्याज का अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। किसान भाइयों, सभी क्षेत्रों की मिट्टी एक जैसी नहीं होती हैं, इसलिए अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग उन्नत किस्में होती हैं। आप कोई भी वैरायटी का बीज खरीदने से पहले अपने ज़िले के कृषि अधिकारी से अपने क्षेत्र के लिए सबसे उन्नत किस्मों की जानकारी ज़रूर लें। अब मैं आपको 5 ऐसी उन्नत किस्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिनका उत्पादन अच्छा है और बाज़ार में भी इन वैरायटियों की अच्छी डिमांड है। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास आए घंटे के निशान को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, पहली वैरायटी है पंचगंगा सुपर। यह एक अर्ली वैरायटी है जिससे यह जल्दी पककर तैयार हो जाती है। यह वैरायटी रोपाई के 80 से 90 दिन बाद पककर तैयार हो जाती है, जिससे शुरुआत में इसकी अच्छी रेट मिलती है। इसका रंग व आकार भी अच्छा होता है, इसकी नर्सरी ज़्यादा बारिश को भी सहन कर सकती है। किसान भाइयों, दूसरी वैरायटी है कलश कंपनी की BSS 441। इस वैरायटी के प्याज का रंग हल्का लाल होता है। यह वैरायटी 100 से 115 दिनों में पककर तैयार हो जाती हैं। इस वैरायटी की भंडारण क्षमता बहुत अच्छी होती है और इस वैरायटी का काफ़ी अच्छा उत्पादन मिलता है। तीसरी वैरायटी है प्राची सुपर नासिक प्याज की। यह भी अच्छी वैरायटी है। इस वैरायटी के प्याज का रंग व चमक बहुत अच्छी होती है और प्याज की साइज एक समान होती है। यह वैरायटी 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जिससे इस वैरायटी का काफ़ी शानदार उत्पादन मिलता है। किसान भाइयों, चौथी वैरायटी है पंचगंगा कंपनी की पूना फर्गुंसी। इस वैरायटी के प्याज का रंग लाल होता है। यह वैरायटी 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी के कंद का आकार गोल होता है और इस वैरायटी का बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। पांचवी वैरायटी है एलोरा कंपनी की चाइना किंग। यह वैरायटी 1-2 सालों से ही किसानों के बीच लोकप्रिय हो गई है। इसके कंद का आकार बहुत बड़ा होता है, कंद में शानदार चमक होती है और इस वैरायटी का जो पर्दा होता है वह पर्दा काफ़ी मजबूत होता है। रोपाई के 100 दिनों के बाद यह वैरायटी पूर्ण तरीके से पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की जल धारण क्षमता बहुत शानदार होती है। बाज़ार में इस वैरायटी का अच्छा भाव मिलता है। तो किसान भाइयों, यह थी प्याज की कुछ उन्नत किस्मों की जानकारी। यह उन्नत किस्में आपको बरसात में अच्छी उपज देगी। लेकिन किसान भाइयों, मैं एक बार फिर से आपको यही कहना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रों के लिए ये वैरायटियाँ उपयुक्त नहीं हैं। आप कोई भी वैरायटी खरीदने से पहले अपने ज़िले के जो कृषि अधिकारी हैं उनसे एक बार उनकी राय ज़रूर लें कि आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी कौन सी रहेगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सभी किसानों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए किसान भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।